इमिडिएटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन जो है वो एकदम टाइट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, यूथफुल नजर आएगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम अपनी स्किन को किस तरीके से इमिजिएटली जो है वो टाइट कर सकते हैं, फर्म कर सकते हैं, रिंकल फ्री कर सकते हैं, फाइन लाइन्स वगैरह पे हम किस तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उनको रिमूव कर सकते हैं। एक बहुत ही ईजी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसका रिजल्ट आप लोगों को 100% मिलेगा। आप लोगों ने देखा है कि अक्सर हमारे फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइन्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल जो है प्रोसेस होता है। तब हमारी स्किन के अंदर से कोलेजन जो है वो कम होने लगता है, हमारी स्किन जो है वो सैग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बाज लोगों की प्री मेच्योर एजिंग के अंदर ही जो है वो रिंकल्स फाइन लाइन्स आना जो है वो शुरू हो जाते हैं और उनकी स्किन जो है वो सैग करना जो है वो शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी कम एज के अंदर अपने फेस को रिंकल फ्री किस तरीके से बनाएं, हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन जो है उसकी कमी होती जा रही है, तो उसको हम किस तरीके से बूस्ट करें जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो टाइट रहे। क्योंकि जब हमारी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारी स्किन की जो ग्लू होती है, जब वो ख़त्म होना शुरू होती है, तो हमारी स्किन जो है वो सैग होना शुरू हो जाती है। तो आज इसी हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आपको इमिजिएटली जो है रिजल्ट देगी, और उसके बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स है, तमाम इन्ग्रीडियंट्स जो है वो आपको घर के अंदर ही मिल जाएंगे। तो रेमेडी को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो जो मिस ना हो सके। फेस पैक को बनाने के लिए जो हमें चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर होंगी वो तमाम घरों के अंदर मौजूद होती है, इजीली आपको मिल जाती है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मायोनीज हमें इस फेस पैक के अंदर चाहिए, क्योंकि मायोनीज आपको पता है कि हर घर में ईजीली मिल जाती है, और वही मायोनीज जो हम अपने बर्गर में सैंडविचेस वगैरह में यूज़ करते हैं, वही मायोनीज जो है हम इस फेस पैक को तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हनी जो है वो यूज़ करेंगे, हनी भी आप लोगों को पता है कि तमाम घर में इजीली मिल जाता है। इसके बाद एलोवेरा जेल तो तमाम घर में मौजूद होता ही है, ठीक है। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नीट एंड क्लीन जो है वो बाउल ले लेना है। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो हम एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो प्लांट का एलोवेरा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है बना बनाया जो है मसारी एलोवेरा वो यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर जो है मैं एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड करूँगी। नंबर पर हम इसके अंदर हनी जो है वो यूज़ करेंगे। हनी भी आपको पता है कि एंटी बैक्टेरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी एजिंग से भरपूर होता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आता है, तो हम टाइटनिंग मार्क्स बना रहे हैं और हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर भी रहेगा। तो इसके लिए हम इसके अंदर हनी जो है 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइजर भी रहेगी, हमारी स्किन से टाइट भी होगी, हमारे पोर्स भी टाइट होंगे और हमारी स्किन के ऊपर ग्लो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसके बाद हम इसके अंदर मायोनीज जो है वो यूज़ करेंगे। मायोनीज वही वाला मायोनीज जो हम अपने बर्गर वगैरह के लिए, सैंडविचेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वही हमें इसके अंदर यूज़ करना है, क्योंकि मायोनीज आपको पता है कि एक से तैयार होता है और एक हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन को इमिजिएटली टाइट करता है। और मायोनीज के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन के अलावा भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर मायोनीज ऐड कर दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इमिडिएटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन जो है वो एकदम टाइट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, यूथफुल नज़र आएगी, ठीक है। अगर आपकी स्किन जो है वो सैग होना शुरू हो गई है तो इसको यूज़ करने से आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़बरदस्त टाइट होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है आपको इसका। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मैं मिक्स कर चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग जो है कर लेंगे। चलिए मैं आपको उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ, हम इसको अपने फेस के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करें।
फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि हमने इस फेस पैक को किस तरीके से घर के इंग्रेडिएंट्स से हमने इसको बनाया है। लेकिन ये जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप रिजल्ट देख के खुद ही शॉक रह जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए तो मैं अपने इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, हम जो फेस अप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से अपर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा फेस जो है वो वॉश करने के बाद सैग ना करें, क्योंकि अगर आप नीचे की जानब इसको लगाएंगे डायरेक्शन गलत करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो सैग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से अपर डायरेक्शन के अंदर फुल फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फुल फेस, नेक और हैंड के ऊपर भी इसको अप्लाई कर चुकी हूँ। अब 10 से 15 मिनट जब तक ये ड्राई होता है हम इसको ड्राई होने का वक्त। जी फ्रेंड, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ड्राई आउट हो चुका है। अब मैं इसको वॉश करके आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट जो है मैं इमीडिएटली जो है वो किस तरीके का। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फेस को जो है वो वॉश कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं कि स्किन एकदम कितनी एकदम टाइट हो जाती है। ठीक है, फर्म हो जाएगी, यूजफुल नज़र आएगी। आप इस पैक को जो है वीक में 2 दफ़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। अगर आप इस पैक के अंदर मायोनीज जो है वो यूज़ ना करना चाहें तो आप उसके बदले एग वाइट जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद लोगों को आपको पता है कि एग वाइट से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो वो लोग इसके अंदर मायोनीज का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने है कि ये स्किन को टाइट करने के साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर भी करेगा और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी लेकर आएगा। फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगा। करने के बाद किसी भी किस्म का कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह जो है अपने फेस पर अप्लाई करना मत भूलिए, ताकि आपकी स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहे, नरिश रहे। तो कोई भी लोशन है या क्रीम वगैरह जो आप यूज़ करते हो घर के अंदर, वो आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी काविश पसंद आई होगी। जो फेस पैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिस रेमेडी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इसको यूज़ किया तो आपको इसका किस तरीके का रिजल्ट मिला। मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके शेयर कीजिएगा। 100% आप लोगों को इंशाल्लाह इसके रिजल्ट जो होंगे, तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।